नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब आप सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब समय आ चुका है आपके फैसले की। आज शाम के 5:35 के उपरांत दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जी हां दोस्तों, धन्य हो प्रभु, अब आपने जिंदगी ही बदल दी। इतनी बड़ी खुशखबरी अपने दे दी कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। जी हां दोस्तों, अब आप सभी का भाग्य बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपने ये बातें इस तरह की शब्दों को बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन वास्तव में ये बातें सच होगी। आज शाम के 5:35 के उपरांत, जी हां दोस्तों, जो ग्रह गोचर बना रहे हैं, जो सुयोग का निर्माण हो रहा है, सीधा दर्शा रहे हैं कि अब आपकी मेहनत का फल मिलेगा। अब आपके कर्मों का फल स्वयं भगवान भोलेनाथ देने वाले, देवों के देव महादेव और कर्म के दाता भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आज शाम के 5:35 के उपरांत आप सभी का पूरा जीवन बदलने जा रहा है। एक साथ आपको 5-5 बड़े शुभ समाचार मिलने वाले। कौन कौन से वह शुभ समाचार है, इनके बारे में हम आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले। और साथ ही साथ अब आपको अपने जीवन में कौन सी गलती है जो भूल कर भी नहीं करना है, और इसके साथ ही साथ यह समय से आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, कौन कौन सी महा उपाय को आपको करना चाहिए ताकि देवों के देव महादेव और कर्म फलदाता भगवान शनिदेव का आशीर्वाद यूं ही आपके जीवन काल में सदैव बना ही रहे। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से अपने हृदय से जय भोलेनाथ जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों यकीन मानिए, भगवान शनिदेव और भोलेनाथ आपके सारे दुख अभी के अभी दूर कर देंगे। जी हां दोस्तों, वह कहते हैं ना, मानो तो देव और नहीं मानो तो पत्थर होता है। अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो आपके सारे सपने जरूरी सच होंगे। अगर आपने अच्छी कर्म किए हैं तो आपके सारे कार्य, सारे बिगड़े कार्य जरूरी बनेंगे, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, भगवान कहां है, भगवान को हमारे दुख क्या नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन हम आप सभी को बता दें कि भगवान आपके सारे दुख, सारे सुख और सारे मेहनत को देखते हैं, और सभी को देखकर आपको फल देते हैं। और दोस्तों, आज शाम से आपको जो बड़े खुशखबरी देने वाले हैं, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम यह बातें बहुत ही सरल शब्दों में कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपको जो बड़ी 5 खुशखबरी आपको मिलने वाली है, 5 शुभ समाचार मिलने वाली है, यकीन मानिए आपकी आंखों में खुशी के आंसू ला ही देंगे। जी हां दोस्तों, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारी महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब बड़ा चमत्कार होगा। जी हां दोस्तों, तो लिए दोस्तों, अब हम आपको सभी को बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ और शनिदेव आपके कौन कौन से 5 सपने सच करेंगे, कौन सी 5 खुशखबरी आप सभी को देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले जो खुशखबरी है, आप सभी के जीवन काल में जो हमने आकलन किया है पिछले कई सालों से, उन्हीं के बारे में है। जी हां दोस्तों, आपकी राशि वालों के जीवन काल में पिछले कई समय से लगातार धन पैसों की समस्या चली आ रही है। पैसा आपके पास आता है और वहीं दूसरी तरफ से पैसा चला जाता है। कभी भी पैसा आपके जीवन में टिक नहीं है, किसी भी समस्या में सर रो विभिन्न में आपका पैसा खर्च हो ही जाता है। जी हां दोस्तों, दूसरे की समस्या और आपकी समस्या में बहुत ज्यादा अंतर है। पिछले कई सालों से आप पैसे की समस्या से जुड़ने आ रहे हैं, और अब भगवान भोलेनाथ और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन से पैसे की समस्या जड़ से खत्म होने वाली है। जी हां दोस्तों, यह बातें हम आपको ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, जो ग्रह गोचर बने हैं, जो भगवान भोलेनाथ और शनिदेव का जो संकेत हमें मिल रहा है, उन्हीं के अनुसार हम आप सभी को बता रहे हैं। परंतु कुछ महा उपाय को भी आपको करना होगा, जो कि हम वीडियो की आखिरी में बताने वाले हैं, तो वीडियो में आप ध्यान से अंत तक बने रहिएगा, अन्यथा पछताएंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब भगवान भोलेनाथ और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से पैसे की समस्या खत्म होने वाली है। लाभ की आपकी नई दरवाजे खुलने वाले। हम जानते हैं पिछले समय में जो आपका कार्य अच्छा चल रहा था, आज के समय में
वह कार्य धीरे धीरे ठप होने जा रहा है या फिर तक होते जा रहा है। जी हां दोस्तों, लेकिन हम आप सभी को बता दें कि अब से आपका वह रुका हुआ कार्य धीरे धीरे गति पकड़ने वाला है। भगवान भोलेनाथ और शनिदेव अब आपकी रास्ते से जो भी आपके कार्य के रास्ते में बढ़ाएं आ रही है वे सब कुछ हटाने वाले हैं और आपके जीवन से यह पैसे की समस्या खत्म करने वाले। जी हां दोस्तों, अब आने वाले कुछ दिनों तक आपको अपने जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक होंगे। दोस्तों, कई बार आप ही अपने हाथों से गलती कर देते जब आपका कार्य नुकसान की ओर बढ़ने लगता है। जब आप देखते हैं कि आपका कार्य अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब आप अपने मन को कमजोर कर देते हैं, कार्य में आपका मन थोड़ा कम होने लगता है। यही कारण है कि दोस्तों आपका कार्य धीरे धीरे पहले के मुकाबले कम होने लगते हैं। पहले के मुकाबले में कमाई भी कम होती है, पहले की तुलना में हर चीज धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अब से आपको यह गलती भूल कर भी नहीं करना है, चाहे जीवन में कितना भी काम हो, कितने भी जरूर की कार्य हो, लेकिन सबसे पहले आपको उसे कम पर ध्यान देना है जो आपके जीवन से जुड़ा है, जिससे आपका घर परिवार और जिससे आपका पूरा दुनिया चल रहा है। बस अब आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इससे आप सभी का कार्य, भारत, सब कुछ पहले के मुकाबले से अच्छा होगा। जी हां दोस्तों, दूसरा जो बड़ी खुशखबरी है जो स्वयं भगवान भोलेनाथ और शनि देव आपको देने जा रहे हैं, वह दोस्तों आपके घर परिवार से जुड़ा है। दोस्तों, हम भी आप सभी को यह बात बता दें कि हमने कई वीडियो में आप सभी को बताया है, या आप अपने पारिवारिक जीवन में खुशहाली महसूस नहीं कर पा रहे, किसी न किसी से बात विवाद होते रहता है, घर में गिरी क्लेश चलते रहता है, या फिर आपके जीवन काल में जो दुश्मन है, जो शत्रु है, आपको परेशान करते रहता है। और दोस्तों, अब भगवान भोलेनाथ और शनिदेव के आशीर्वाद से आपका पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो घर परिवार में रुकावटें आ रही हैं, चाहे वह शत्रु को लेकर हो, ग्रह दोष को लेकर हो, वह सब कुछ खत्म होने वाले। जी हां दोस्तों, परंतु हम आप सभी को बता दें कि आपको अब अपने घर पर पैनी निगाहें रखनी होगी, अन्यथा सब कुछ धीरे धीरे खराब हो जाएगा। जी हां दोस्तों, ये नहीं कि भगवान भोलेनाथ और शनिदेव के आशीर्वाद से आपका जीवन बदल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो आपके पिछले समय के अच्छे कर्म है, उन्हीं का फल भगवान भोलेनाथ और शनिदेव आपको दे रही है। अब आप सभी के जीवन काल में कुछ गलती को भूल कर भी नहीं करना है, जैसे कि दोस्तों रात के समय आपको अपने घर में कभी भी कोहराम नहीं बचाना है, हल्ला गुल्ला नहीं करना है, इसे दोस्तों भगवान दुष्ट हो जाते हैं और आपके घर में नकारात्मक शक्तियां भर जाती है, जिनके कारण भी आपके घर में गिरी क्लेश होना शुरू हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए अब आपको अपने घर में इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। जी हां दोस्तों, ईश्वर आपके साथ रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने ही हाथों अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लेंगे तो यह आपकी ही गलती होगी। जी हां दोस्तों, इसलिए अब आपको अपने जीवन काल में यह बदलाव जरूर ही लाना चाहिए, ताकि ईश्वर की सकारात्मक शक्तियां आपके घर में रहें और घर में सभी व्यक्ति में प्रेम माहौल बना रहे और सभी लोग जो भी आपस में मतभेद में फंसे हुए हैं, सब कुछ खत्म हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आप सभी का जीवन पहले के मुकाबले से बेहतर होने वाला है। भगवान भोलेनाथ और शनिदेव के आशीर्वाद से आप सभी के घर में अब बरकत होना शुरू हो जाएगा। पिछले कई समय से जो भी समस्याएं चल रही हैं, और सब कुछ खत्म हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको अपने घर के ईशान कोण को साफ सुथरा अवश्य ही रखना है। जी हां दोस्तों, ईशान को खाने का तात्पर्य है कि आपके घर के जो भी उत्तरी और पूर्वी के कोण हैं, उसे इंसान कौन कहते हैं। यह स्थान ईश्वर का स्थान होता है, देवी शक्तियों का स्थान होता है। तो आप अपने जीवन काल में अब इस बात का ध्यान रखें, और यह भी ध्यान रखें कि घर के छोटे छोटे बच्चों पर कभी भी अपने बाहर के गुस्से को न निकले, इससे भी ईश्वर रुष्ट हो जाते हैं। तो आप अब अपने जीवन काल में इन्हें सभी बातों का ध्यान रखें, इससे आपके घर से जो भी संकट है वह सब कुछ समाप्त हो जाएंगे और सारे घर परिवार की समस्याएं भी खत्म हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, तीसरा बड़ी खुशियों भरी जो अब आप सभी को मिलने वाली है, वह आपके प्रेम जीवन को लेकर है।
जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि हर व्यक्ति की तरक्की के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, और दोस्तों अगर वह स्त्री उनके साथ ना हो या फिर उनके साथ होकर उनसे रुष्ट हो गई हो तो भी उनके कार्य धीरे धीरे बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। जी हां दोस्तों, अब आप सभी का प्रेम जीवन पहले से बेहतर होने वाला है। यदि आप पार्टनरशिप में हैं तो आपका पार्टनरशिप पहले के मुकाबले बहुत ही अच्छा होने वाला है, या फिर आप एक नए पार्टनर की तलाश में हैं, अपने प्रेम जीवन की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों अब आपका सपना साकार होने वाला है। जी हां दोस्तों, अब आप सभी का पारिवारिक जीवन एक नई जिंदगी आपको देने वाली है, और ऐसी स्त्री आप सभी को मिलने वाली है जिसे आप सभी का जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, बस आपको अपने जीवन में कुछ संकेत को समझना होगा, जैसे कि दोस्तों आपका जो भी आसपास ऐसे स्त्री है जो हमेशा आपके केयर करते हैं, जो हमेशा आपकी भलाई के लिए ही बातें करते हैं। दोस्तों मुंह पर तो सब कुछ भलाई की बातें करते हैं, लेकिन जो स्त्री आपकी पीठ पीछे दूसरे से आपकी तारीफों करती, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं, चाहे वह आपकी ऑफिस की हो, स्कूल कॉलेज की हो, या फिर आपके आसपास की कोई हो, तो दोस्तों यहां आपको समझना है कि यह वही है जो पिछले जन्म से आपके साथ ही बनती आ रही है, और उनके होने से ही आप सभी का जीवन चमकने वाला है। जी हां दोस्तों, और अगर आप यह संकेत को समझ गए, इसे पहचान गए, तो आप सभी का जीवन बिल्कुल ही स्वर्ग जैसा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान हमें हर अच्छे कार्य से पहले संकेत देते हैं, हर बुरे कार्य से पहले संकेत देते। जो व्यक्ति भगवान पर यकीन करता है, जो उनके संकेत को समझता है और धीरे धीरे धनवान होता जाता है, और जो व्यक्ति ईश्वर के ऊपर विश्वास खत्म कर देता है, जो ईश्वर के दिए संकेत को नजरअंदाज करने लगता है, चाहे वह कितना भी बड़ा राजा हो, वह धीरे धीरे रंग हो जाता है। दोस्तों भगवान का लीला अपरंपार है, भगवान चाहे तो राजा को भी रंग बना देंगे और रंग को भी राजा बना देंगे। जी हां दोस्तों, और अब आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसा ही बदलाव होने वाला है, बस आपको यह संकेत समझना है। दोस्तों चौथा जो सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है, वह खुशखबरी है आप सभी के मन की इच्छाएं को लेकर। जी हां दोस्तों, जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई इच्छाएं जरूरी होती है। किसी व्यक्ति की चाहत होती है गाड़ी लेने की, किसी व्यक्ति की चाहत होती है अच्छा घर बनाने की, या फिर किसी व्यक्ति की चाहत होती है, एक चाहत होती है एक अच्छी जगह पर जाकर घूमने की। जी हां दोस्तों, और आपका भी कुछ इच्छाएं हैं जो आप ही जानते हैं, आपके ही मन में है, और अब आपका वह इच्छा पूरा होने वाला है। हमें कहते हुए यह बात खुशी हो रही है कि अब ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है, अब आपके मन की इच्छाएं भगवान पूरा करने वाले, अब वह समय आ चुका है जिसे आप पिछले कई समय से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जी हां दोस्तों, वह कहते हैं कि भगवान की घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जी हां दोस्तों, अब भगवान स्वयं आपकी गाड़ी लेने की इच्छाएं हो या फिर घर बनाने की इच्छाएं हो, पूरा करने वाले हैं। और आप सभी को बता दें कि आप सभी के जीवन में भगवान के आशीर्वाद से, शनिदेव और भोलेनाथ के आशीर्वाद से, यह चमत्कारी घटना हर हाल में होकर रहेगी, चाहे वह किसी भी रूप में हो। दोस्तों भगवान जब भक्त को मदद करते हैं तो वह साक्षात भले ही नहीं आते हैं, लेकिन भेष बदलकर, रूप बदलकर जरूरी आते हैं। अब आने वाले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में बड़ा ही चमत्कार होगा, इतना बड़ा चमत्कार होगा कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, और जब यह बातें सच होगी तो देखने वालों की भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर भगवान भोलेनाथ, भगवान शनिदेव किसी रूप में आप सभी के घर आने वाले हैं, आपको बड़ा तोहफा देकर जाने वाले। जी हां दोस्तों, यकीन मानिए आप सभी का जीवन पहले के मुकाबले बहुत अच्छा होने वाला है। बस आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का इनमें ध्यान रखना होगा कि आपको ईश्वर के ऊपर भरोसा अटूट रखना होगा। हम यह बात जानते हैं कि आप ईश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए आप एक कर्मशील इंसान हैं, अच्छे कर्म करते आ रहे हैं, कभी किसी के प्रति बड़ा निगाहें आपकी नहीं बनी है, ना ही किसी की पैर का कांटा। आप बनने की कोशिश अभी तक की है, आपको ईश्वर पर यकीन है, आप अच्छी कार्य कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति में भी लीन हैं। और दोस्तों
यही सब कुछ देखकर भगवान आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए हैं। अब आप सभी का मन की इच्छाएं भगवान भोलेनाथ और शनिदेव पूरा करने वाले। जी हां दोस्तों, दोस्तों अगला जो खुशखबरी है जो आपको मिलने वाली है, अब आप सभी के घर में ईश्वर का वास होने वाला है। अब आप सभी के जीवन से भगवान भोलेनाथ और शनिदेव जोड़ने वाले, परंतु कुछ चीजों का त्याग अब आपको करना होगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपको अपने जीवन में घर में साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है, और इसके साथ साथ दान धर्म में भी आपकी रुचि बढ़ाना आवश्यक है। जितना आपका इच्छा हो, जितना में आप सक्षम है, उतना आपको दान धर्म अवश्य करना चाहिए। इससे ईश्वर का सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में बढ़ता है, और अब ईश्वर आपके साथ जुड़ने वाले। तो दोस्तों, अब आपको कुछ गलती भूल कर भी नहीं करना है, जैसे कि दूसरे की कमाई पर अपनी निगाहें कभी नहीं डालना है। जैसे कि दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे की तरक्की को देखकर चलने लगते हैं, ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है। ईश्वर सभी के कर्मों को देखकर उनका फल देते ही, और अगर आप उनकी तरक्की को देखकर चलेंगे तो भगवान कभी भी आपको अच्छा फल नहीं देंगे और आपके घर से चले जाएंगे। और इसके साथ साथ आप सभी के जीवन में, पारिवारिक जीवन में, लव स्वास्थ्य और करियर के जीवन में कौन कौन सी बड़ी बदलाव होगी आने वाले 24 घंटे के अंदर, इसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही अंत में बात करेंगे कि कौन से महा उपाय है जो आपको अब अपने जीवन काल में करना ही है। अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आप बहुत ज्यादा पास आएंगे। जी हां दोस्त, सबसे पहले यह समय आपकी जीवन काल में भोलेनाथ और शनिदेव के आशीर्वाद से लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति में कौन कौन से बड़े सुधार होने वाले हैं। चंद्र राशि के संबंध में अशुभ ग्रह राहु के 12वें भाव में मौजूद होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह करियर को लेकर तनाव के चलते आपको कुछ छोटी मोटी बीमारी से दो चार होना पड़ी आ सकता है। इसलिए सुकून और दिमाग को शांत करने के लिए दोस्तों और परिवार के साथ कुछ समय बिताए, और संभव हो तो आप उनके साथ किसी छोटी यात्रा पर भी जाने का प्लान कर सकते हैं। आपके पहले भाव में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी के कारण संभव है कि इस सप्ताह आप किसी एटीएम से पैसे निकाले, लेकिन किसी कारणवश वो पैसे या आपका बटुआ ही खो जाए। इसलिए आपको इस तरह की हर विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए खुद को सावधान रखने की जरूरत होगी, अन्यथा आपकी इन मामलों में सावधानी की कमी आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिता आपको समाज के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर देगी। ऐसे में इन सभी अवसरों को अपने हाथों से न जाने देते हुए उनका उत्तम से उत्तम लाभ उठाने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपको अपने करियर में विकास करने के लिए अपने कौशल में वृद्धि के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी होगी, अन्यथा आप किसी भी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर सकेंगे। इसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा, और साथ ही आप निर्णय लेने में भी परेशानी महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह जरूरत से ज्यादा पढ़ाई करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि और बेचैनी का मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में समय समय पर अन्य खेल कूद जैसी गतिविधियों को अपनाकर आप खुद को कई मानसिक रोगों से बचा सकते हैं। उपाय, प्रतिदिन 47 बार ओम भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। किसी दोस्त के साथ गलतफहमी अप्रिय हालात खड़े कर सकती है। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले संतुलित नजरिए से दोनों पक्षों को जांचें। जो लोग दुग्ध उद्योग से जुड़े हैं उन्हें आज आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है। एक बेहतरीन शाम के लिए रिश्तेदार दोस्त घर आ सकते हैं। खुश मिजाज रहें और प्यार की राह में बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहें। जो काम आप कर चुके हैं उसके चलते आज आपको पहचान मिलेगी। उन लोगों से मेलजोल बढ़ाने से बचें जिनके साथ आपका वक्त खराब होता है। किसी खूबसूरत याद के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच की अनबन रुक सकती है, इसलिए वाद विवाद की हालत में पुराने दिनों की यादों को ताजा करना न भूलें। इस बात को आप इस सप्ताह अच्छी तरह समझ पाएंगे कि अगर आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपकी कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये सप्ताह सेहत के लिहाज से आपको आत्मचिंतन करने के कई अवसर देगा। देवगुरु बृहस्पति के 12वें घर में स्थित होने के परिणाम स्वरूप संभव है
कि आपका कोई जानने वाला या करीबी व्यक्ति कोई बड़ी योजनाओं और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल जिहताल कर लें। कोई खास व्यक्ति जिसके साथ आप भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं, वो इस सप्ताह आपके लापरवाह और अनिश्चित बर्ताव की वजह से आपसे चिढ़ सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने स्वभाव में सुधार करते हुए उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। निजी जीवन में दूसरों के साथ चल रही अनबन आपको परेशानी करेगी, इससे आप कार्यस्थल पर भी दूसरे लोगों पर विश्वास करने से हिचकिचाहट महसूस करेंगे, जिससे आपके कई जरूरी कार्य बाधित हो सकते हैं। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे व बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का सोच रहे थे, तो इस समय संभावना थोड़ी ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की जरूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। दूसरा उपाय, मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। यदि आप बीते समय से किसी धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि का कोई अच्छा काम करने का सोच रहे थे, तो उसके लिए यह सप्ताह विशेष उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, जिससे आप धर्म कर्म के कार्यों में मन लगा सकेंगे और इससे आपको अंदर से भी खुशी की अनुभूति होगी। इस सप्ताह अचानक धन की प्राप्ति आपको कुछ बौखला सकती है, जिसके कारण आप निवेश और खर्चों से जुदा हर निर्णय जल्दबाजी में लेते दिखाई देंगे। ऐसे में अपनी इस आदत में सुधार करें और खासतौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोलभाव करते वक्त किसी बद्धे की सलाह अवश्य लें। इस सप्ताह आप अपने घर वालों की सलाह पर कोई नई कार या बाइक खरीद सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह पारिवारिक आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे, जिससे आप अपनी और घर की जरूरत को देखते हुए कोई वाहन खरीदने की इच्छा जता सकते हैं। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेगी। चंद्र राशि के संबंध में शनि दसवें भाव में मौजूद है, जिसके कारण आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकेगी। इसी के साथ यह समय कौन से महा उपाय आप सभी को करना चाहिए, ताकि आप सभी के जीवन काल में भगवान भोलेनाथ और शनिदेव का आशीर्वाद हमेशा बने रहेंगे। सोमवार के दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने से रोगों का नाश होता है। इस दिन शिव चालीसा का पाठ करके भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप 108 करने से रोजगार में वृद्धि होती है। किसी भी इच्छित मनोकामना को पूरा करने के लिए सोमवार के दिन 21 बेलपत्रों पर चंदन से AUM नमः शिवाय लिखकर इन्हें किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह भगवान शिव का इच्छा पूर्ति उपाय है, जो मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। लंबी आयु के लिए शिवलिंग पर सफदे वस्त्र व जनेऊ अर्पित करें, इससे भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही अपने कार्य क्षेत्र में आशातीत सफलता भी प्राप्त होती है। वहीं सोमवार को तिल चढ़ाने से आपके पापों का नाश भी हो जाता है। शनि न्याय के देवता हैं, श्रम के पुजारी हैं। ऐसे में यदि हम किसी मेहनत मजदूरी करने वाले को तन मन और धन से उचित सम्मान प्रदान करते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो शनिदेव प्रसन्न होंगे। उनकी कृपा से वो सभी दोष दूर हो जाएंगे जिनके कारण आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है। एयुम शम शनैश्चराय नमः। तो दोस्तों, अब आप अपने जीवन काल में इन महा उपाय को जरूर कीजिएगा। इसे भगवान भोलेनाथ और शनिदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह जानकारी आप सभी को बेहद ही ज्यादा पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अगर आप अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर ही लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।